केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब मिशन एमपी की कमान अपने हाथों में थाम ली है। जहेजी के मद्देनजर राजधानी भोपाल के बाद अब अमित शाह सियासत के गढ़ इंदौर के दौरे पर आ रहे हैं। इंदौर में अमित शाह के दौरे से जुड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां विधानसभा दो के कनकेश्वरी ग्राउंड में अमित शाह बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 30 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या शामिल होगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मिशन एमपी पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अब की बार इंदौर के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। विधानसभा दो से अमित शाह भरेंगे जीत की हुंकार। अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुटे संगठन और सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हुई बैठक बीजेपी कार्यालय पर आयोजित की गई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री उषा ठाकुर, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाइडिया, आकाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, बीजेपी नेता हरिनारायण यादव समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से संबंधित जानकारी प्रदान की है। 107 सीट आएगी, पर ऐसा लग रहा है कि 175 से ज्यादा सीट आएगी, क्योंकि आपका हिस्सा देखिए, जो अभी माननीय हमारे सहभागी संगठन मंत्री जी ने कहा कि कल रात को 2 बजे तय हुआ, कब हुआ 2 बजे, और 2 बजे आने के बाद फिर मैंने फिर इजाजत ली गृह मंत्री से, मन के साथ मैं इंदौर निकल जाऊँ, आपको सुबह विदा नहीं करूंगा, क्यों मन के हम सुबह जब तक थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, तो हम सुबह उठे 5:30 बजे अध्यक्ष जी से, ये भी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, इनको सबको फोन लगाया, फिर स्थान देखने गए सुबह ही हम लोग, तो स्थान देखा तो अधिकांश जगह पे कीचड़ था मैदानों में, तो टेंट नहीं लग सकता था, पर सौभाग्य से रमेश जी के क्षेत्र में जो जहाँ गर्भे होते हैं वहाँ उन्होंने इतना अच्छा बना रखा उसको कि वहाँ पर एकदम सूखा था और मजबूत था, क्योंकि इतना मजबूत कैसे, बोले 2000 ट्रक मैंने गिनती और वो डाले। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि रात्रि 2 बजे कार्यक्रम तय हुआ, जिसके बाद सुबह सभी लोग कार्यक्रम को लेकर स्थान देखने के लिए गए, जहां लगभग सभी मैदानों पर कीचड़ होने के कारण टेंट लगाने और अन्य व्यवस्थाओं में समस्या होने की बात सामने आई, जिसके बाद विधानसभा दो के कनकेश्वरी देवी गरबा ग्राउंड में अच्छी व्यवस्था होने के कारण वहीं बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम रखना तय हुआ। इस मैदान में विधायक रमेश मेंदोला ने लगभग 2000 ट्रक गिट्टी डलवाकर मैदान को व्यवस्थित किया है, जिससे कि यह मैदान बारिश में भी सूखा नजर आता है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं और इंदौर संभाग से वे चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इंदौर संभाग को उन्होंने चयन किया सबसे पहले, और इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और निश्चित रूप से हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 160 सीट से ज़्यादा सीटों पर जीत कर सरकार बनाएंगे। देखिए, एमपी का वातावरण तो है ही अच्छा, पता नहीं क्यों लोगों को, आपको क्यों लगता है कि बदल जाएगा, बहुत अच्छा वातावरण है। आज अगर चुनाव होते तो 150 सीट आती है, यदि जैसे जैसे और बढ़ता जाएगा तो सीट हमारी बढ़ती जाएगी, पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 2/3 बहुमत से बनेगी, ऐसा मेरा मुझे लगता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब मिशन एमपी की कमान अपने हाथों में थाम ली है। जहेजी के मद्देनजर राजधानी भोपाल के बाद अब अमित शाह सियासत के गढ़ इंदौर के दौरे पर आ रहे हैं। इंदौर में अमित शाह के दौरे से जुड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां विधानसभा दो के कनकेश्वरी ग्राउंड में अमित शाह बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 30 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या शामिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।